15,000 के अंदर ना अगर हमें टैबलेट लेना हो तो बहुत से कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सा हमें टैबलेट लेना चाहिए। तो टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट टैबलेट बताने वाला हूं जो मिलेंगे आपको अंडर 15,000। इन टैबलेट में आप गेमिंग भी अच्छा खासा कर पाएंगे, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं और मल्टीमीडिया के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा। तो इस लिस्ट का जो पांचवा टैबलेट है वो है TCL का टाइप 10 मैक्स। बहुत से लोगों को TCL का टैबलेट नहीं अच्छा लगता, बट जिनको अच्छा लगता है वो टैबलेट को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस टैबलेट में आपको 10.36 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है, MediaTek Helio P22 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, जिसमें आपको TCL का UI मिलता है जो कि बेस्ट है एंड्रॉइड 10 पे। 8000mAh की बड़ा बैटरी है इसमें, जो हैवी टास्क भी करेंगे तो आप आराम से एक दिन यूज कर पाएंगे। कैमरे में 13 MP का कैमरा एंड 8 MP का सेल्फी कैमरा है। फुल HD 30fps में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। 1TB तक आप इसमें मेमोरी कार्ड एक्सपेंड कर पाएंगे। डुअल स्पीकर है और 3.5 का जेबी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसका 4+64GB का ओनली वाईफाई वेरिएंट मिलेगा आपको 14,999 रुपए में। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर टैबलेट पे, जो है रियलमी पैड मिनी। अगर आपको 15,000 के अंदर एक छोटा टैबलेट चाहिए जिसमें आपको वाईफाई LTE दोनों वेरिएंट मिल जाए, वो भी 4GB 64GB वेरिएंट के साथ, तो रियलमी पैड मिनी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह एक मिनी टैबलेट है, तो इसका डिस्प्ले आपको छोटा मिलता है, 8.7 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस में आपको यूनिसॉक T610 का चिपसेट मिलता है, रियलमी UI का सॉफ्टवेयर है जो कि बेस्ट है एंड्रॉइड 11 पे। बैटरी में 6400mAh का बैटरी है जिसमें 18W का चार्जर सपोर्ट करता है। कैमरे में 8MP का मेन कैमरा, 5MP का सेल्फी कैमरा है। फुल HD 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन है इसमें। इसके अलावा स्पीकर में आपको डुअल स्पीकर मिलता है और आप 1TB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंड कर सकते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसका 4GB 64GB का ओनली वाईफाई वेरिएंट मिलेगा 12,999 रुपए का, एंड वाईफाई प्लस LTE वेरिएंट मिलेगा 4GB 64GB का 14,999 रुपए का। बढ़ते हैं थर्ड नंबर टैबलेट पे, जो है Samsung Galaxy टाइप A8। अगर आपको 15,000 के अंदर एक Samsung का टैबलेट चाहिए तो Samsung का यह टैबलेट चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा पुराना टैबलेट है बट बहुत ही अच्छा है। 10.5 इंच का इसमें आपको फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले मिलता है, यूनिसॉक T618 का चिपसेट, यह एक एडवांस ऑक्टा कोर चिपसेट है। सॉफ्टवेयर में Samsung One UI है जो कि बेस्ट एंड्रॉइड 11 पे। 7040mAh का बैटरी है जिसमें 18W का चार्जर सपोर्ट करेगा। कैमरे में आपको 8MP का मेन कैमरा एंड 5MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। इसमें आप फुल HD 30fps में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। इसके अलावा स्पीकर में आपको Dolby Atmos का क्वाइट स्पीकर मिलेगा। मल्टी विंडो का फीचर्स भी अवेलेबल है इसमें और Samsung की नॉच सिक्योरिटी तो आपको मिलेगी ही। फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, 3+32GB का ओनली वाईफाई वेरिएंट मिलेगा आपको 14,999 रुपए में। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर टैबलेट पे, तो है रियलमी का पैड। हाँ, रियलमी का एक और टैबलेट है हमारे इस लिस्ट में। रियलमी का टैबलेट का डिस्प्ले बड़ा है, इसमें आपको 10.4 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, MediaTek Helio G80 का ऑक्टा कोर चिपसेट, रियलमी UI का सॉफ्टवेयर जो कि बेस्ट एंड्रॉइड 11 पे। गेमिंग भी आप इसमें अच्छा खासा कर पाओगे। बैटरी में 7100mAh का बैटरी है जिसमें 18W का चार्जर सपोर्ट करेगा। कैमरे में आपको 8MP का प्राइमरी कैमरा एंड 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। फुल HD 30fps में आप इसमें रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। स्पीकर में आपको Dolby Atmos का स्पीकर मिलता है और आप 1TB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको एक अल्ट्रा स्लिम डिजाइन वाला रियलमी का बड़ा डिस्प्ले वाला टैबलेट चाहिए तो यह टैबलेट आप ले सकते हैं। बात करें इसके प्राइस की, तो इसका 3+32GB का वाईफाई वेरिएंट मिलेगा 13,999 रुपए का, एंड वाईफाई प्लस 4G का वेरिएंट मिलेगा 15,999 रुपए का। फाइनली बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर टैबलेट पे, जो है नोकिया का T20। हाँ, फर्स्ट नंबर पे एक नोकिया का टैबलेट है। इसका डिजाइन भी बहुत ही अच्छा है और पतला एंड बहुत ही हल्का भी है। चलिए जान लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें आपको 10.4 इंच का 2K डिस्प्ले मिलता है IPS LCD पैनल का। परफॉर्मेंस में यूनिसॉक T610 का चिपसेट है, यह एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिलता है, 2 ईयर का OS अपडेट एंड 3 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा। बैटरी में आपको 8200mAh का बड़ा बैटरी मिलता है जिसमें 15W का चार्जर सपोर्ट करता है। कैमरे में 8MP का मेन कैमरा एंड 5MP का सेल्फी कैमरा है। इस कैमरे में भी आप फुल HD 30fps में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। स्पीकर में आपको डुअल स्पीकर मिलता है। यह टैबलेट IP52 सर्टिफाइड भी है और आप 1TB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंड कर पाएंगे इसमें। तो अगर आपको 15,000 के अंदर एक अच्छा डिजाइन वाला टैबलेट चाहिए जो कि पतला एंड हल्का हो, तो नोकिया का यह टैबलेट आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात कर लेते हैं फाइनली इसके प्राइस की, तो इसका 4+64GB का ओनली वाईफाई वेरिएंट मिलेगा 13,999 रुपए का, एंड वाईफाई प्लस LTE मिलेगा आपको 16,499 रुपए का। बट बैंक ऑफर अप्लाई करते हैं तो 15-15.5 के आसपास से आ जाता है। अगर आप वहां तक बजट बढ़ा सकते हैं, यह भी टैबलेट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
है। तो यही थे टॉप 5 बेस्ट टैबलेट जो आपको मिलते हैं 15,000-15,500 के आसपास। आपको इन पांचों टैबलेट में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।